हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति में आज हमारे साथ कोटा मेडिकल कॉलेज के उपनिदेशक व नेत्र चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा शिवलहरी जी हैं। डॉक्टर शिव कुमार जी से हम जो अभी भीषण गर्मी हीट वेव का असर पूरे हाड़ौती में देखने को मिल रहा है, इससे मानव की त्वचा के साथ आँखें ज़्यादा प्रभावित कर रही है, आँखों की जिस तरह की बीमारी देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम शिव कुमार जी से हम जानेंगे। आँखों की देखभाल के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए और इस भीषण लू और हीट वेव से कैसे बचा जा सके, इसके बारे में इनसे हम बखूबी विस्तार से बात करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर शिव कुमार जी से। डॉक्टर शिव कुमार जी, आपका स्वागत है। एस्टिन परिवार का हार्दिक अभिनंदन, और आपने चैनल पे बुलाया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत आभार। और इस जो मौसमी बीमारियां, जो इससे रिलेटेड जो भी है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो गर्मी के सीज़न में वो है हीट वेव या हीट एग्जॉशन। तो इसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु तो तकलीफ़ में है ही सही, पर मनुष्य भी बहुत तकलीफ़ में है। तो इससे हमें कैसे बचाव करना है, सबसे पहले तो मैं शारीरिक बचाव की बात करता हूँ, फिर अपना जो मुख्य अंग है नेत्र जी, उसके बचाव रख रखाव के बारे में आपको कुछ जानकारी बताता हूँ। तो शरीर को हम कैसे बचाएं, सबसे मुख्य तो यह है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें, वो हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। कैसे, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य तो होती है कम और उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, एनर्जी, यानी वो डैमेज ज़्यादा करती है। वो आयनाइजिंग रेडिएशन की तरह अपना न्यूक्लियस डैमेज करती है, जिससे कि कैंसर तक होने के चांस होते हैं जी। तो इनसे बचने के लिए जो अभी अधिक तापमान बढ़ रहा है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले तो 10 से 4 के बीच जो समय है दिन का जी, उसमें हमें ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें तापमान ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रेडिएशन रहता है। तो इसके लिए हमें या तो हम इसमें निकलने से बचें या फिर अपने शरीर को बचाव करके निकलें, अच्छे हाइड्रेशन के साथ निकलें, ज़्यादा हाइड्रेशन लें, और अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए हमें पूरे कपड़े पहन के, लूज़ फिटिंग के कपड़े होना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर स्वेटिंग वगैरह नॉर्मल होती रहे। और इसके बाद हमें हाइड्रेशन के लिए पानी की जो आवश्यकता है वो हमारी बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में, वो कम से कम 8 से 12 गिलास पानी तो हमें आवश्यक हो जाता है, तो पानी की मात्रा हमारे शरीर में अच्छी रहे। दूसरा, जो इसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है इस मौसम में, पसीना ज़्यादा आना, तो स्वेटिंग जो है एक नॉर्मल फिनोमेना है, जिससे कि शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, और ये तापमान नियंत्रण के लिए जो हमारे मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है वो इसका कंट्रोल करता है। तो स्वेटिंग हो ये तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हीट वेव की वजह से स्वेटिंग होना बंद हो जाती है और व्यक्ति हीट स्ट्रोक में चल जाता है, तो उसकी वजह से या तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, यानी कि जो साल्ट्स हैं शरीर के, जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और ये इस तरह के जो साल्ट हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो सोडियम की मात्रा का ज़्यादा होना एक तरह से ये घातक है शरीर के लिए। और एक साल्ट की कमी, डिहाइड्रेशन, ये भी हो सकता है ज़्यादा स्वेटिंग होने से, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए खतरनाक है, साल्ट की कमी भी और साल्ट की अधिकता भी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें शरीर को तापमान से बचाना है, और उसके बाद हाइड्रेशन अच्छा रखना है, और जो हम जा रहे हैं छायादार स्थान पर रहें,
और गर्म जो तीक्ष्ण हवाएं हैं उनसे बचें, लू से बचें। तो इस तरह से हमें बचाव रखकर चलना है। डॉक्टर साहब, जो जो भीषण गर्मी है उसमें आँखों के बचाव के लिए मतलब क्या उपाय आम इंसान को करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का एक बहुत प्रमुख अंग है आँख। बिल्कुल साहब, इस जो नेत्र हैं, नेत्र एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है शरीर का। कहते हैं कि दृष्टि है तो सृष्टि है। जो हमारे नेत्रों की हमें उनकी देखभाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिस तरह से हम और शरीर की देखभाल करते हैं उसी तरह से हमें नेत्रों की भी देखभाल करनी चाहिए, और नेत्रों की देखभाल मौसम के अनुकूल में करना पड़ता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो हमें आँखों के लिए भी शीतलता चाहिए और हीट वेव से बचाना है आँखों को, और ज़्यादा यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे भी बचाना है आँखों को, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, जैसे आर्द्रता बढ़ जाती है मौसम में, जैसे गर्मी के बाद जब थोड़ी बरसात होती है तो आर्द्रता बढ़ जाती है, तो उस मौसम में इन्फेक्शन से भी बचाना है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से कई तरह के बैक्टीरिया वायरस आँखों पर अटैक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हीट वेव से आँखों को कैसे बचाएँ। यदि हीट वेव का सीधा आँखों पर असर पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारे टीयर्स हैं, आंसू, जो आंसू हैं वो आंसू बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं, लेक्राइमल ग्लैंड्स, तो वो जो सिक्रेशन छोड़ती हैं उसको हम अश्रु कहते हैं या टीयर कहते हैं। उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स और हैं जो लिड्स में होती है, मियोबियम ग्लैंड्स, वो एक लिपिड लेयर छोड़ती है। तो जो हमारी टीयर फिल्म बनती है आँख के कॉर्निया के साथ में आगे, तो वो टीयर फिल्म जो है उसमें तीन पार्ट होते हैं। एक तो सबसे आगे तो लिपिड लेयर, बीच में एक्विस लेयर, एक्विस लेयर किसकी, लेक्राइमल ग्लैंड ने जो सिक्रेशन छोड़ा है, उसके बाद म्यूसिन लेयर। तो जो आगे की लेयर है लिपिड लेयर, वो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो मियोबियम ग्लैंड्स जो हैं वो छोड़ती है उसको। तो जो टीयर फिल्म यदि प्रॉपर बनी रहे आँखों में तो ये एक तरह से हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन है। लेकिन होता क्या है कि या तो एवोपरेशन ज़्यादा हो जाता है गर्मी में, है ना, वाष्पोत्सर्जन, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है टीयर फिल्म, और ड्राइनेस की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, यानी आँखों में सूखापन। तो ड्राइनेस से बचने के लिए, अब ड्राइनेस दो तीन तरह से हम समझ सकते हैं कि या तो ड्राइनेस मौसम की वजह से हो रही है, वेदर की वजह से, या ड्राइनेस हो रही है कि लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रॉपर काम नहीं कर रही, या ड्राइनेस हो रही है कि जिससे कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ शरीर में ऐसी बीमारियां हो जिससे कि वो अपने आप ही सिक्रेशन कम हो रहा है, जैसे जोग्रेन सिंड्रोम। तो इस तरह से ड्राइनेस किसी भी वजह से हो सकती है। आजकल ये हम कंटिन्यूस स्क्रीन पे देखते हैं, इसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो जिस ड्राइनेस को रोकने के लिए, इसकी वजह से कई सारे इन्फेक्शंस और प्रॉपर जो हमारा अंदर जो एक्वियस ह्यूमर है उसमें भी एक सर्कुलेशन होता है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, और कई सारी बीमारियां हो सकती है ड्राइनेस से। और इसमें ड्राइनेस में क्या होता है, एक तो आपकी बर्निंग होगा, आँखों में जलन हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, ईचिंग हो सकता है, और प्रॉपर जो आपकी आँखों की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इन सब से हमें बचना पड़ेगा, यानी कि जो लिपिड लेयर है वो डैमेज नहीं हो आगे की उसकी टीयर फिल्म की। तो कई बार आपके आर्टिफिशियल टीयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि रिफ्रेश टीयर्स वगैरह ये जो आती है कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज की ड्रॉप्स है, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये सब दवाएं हमें नेत्र चिकित्सक की परामर्श से ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में कई तरह की है और इसमें पता नहीं आप कौन सी डाल रहे हैं, किस तरीके से डाल रहे हैं, इसलिए नेत्र चिकित्सक की परामर्श जरूर लें। डॉक्टर शिव कुमार जी, इस हीट वेव में आंखों के बचाव के लिए एक सामान्य जन क्या करे? हाँ, ये अच्छी बात है कि हमें कैसे बचना है। तो बचने के लिए सबसे पहले तो हम क्या है कि शरीर को बचाने के लिए तो कपड़े पहन लेते हैं, फुल स्लीव्स, जितने भी शर्ट्स वगैरह सारा पूरा फुल स्लीव्स पहनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऊपर का पार्ट्स खुला छोड़ देते हैं अधिकतर, लेकिन यह भी तो शरीर का पार्ट है, इसको भी हमें बचाना है। तो
तो सबसे पहले तो जैसे कि आप बाइक्स पे निकल रहे हैं तो आपको हेलमेट का यूज करना है और आगे जो उसका ग्लास है उसका यूज करना है, जिससे कि गर्म हवा सीधी आँखों में नहीं टकराए। दूसरी बात, ये जो हम बाहर निकलते हैं या वॉकिंग पे जाते हैं, कुछ भी कार्य के लिए जाते हैं, तो हमें गॉगल्स जो है ना, सन गॉगल्स जो यूवी प्रोटेक्टेड हैं, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट 400 जो नैनोमीटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो ओरिजिनल हों। आजकल कई सारे डुप्लीकेट्स भी आते हैं मार्केट में, अच्छे से लेंस जो हैं अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड वो यूज करने चाहिए, गॉगल्स जो डार्क गॉगल्स होते हैं, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं आँखों पर। उसके अलावा आप सिर पर कैप पहने, जिससे कि सीधा मतलब इससे आपकी सन रेस से रिलेशन नहीं हो आँखों का, तो ये सब बचाव बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी आप हाइड्रेशन अच्छा रखें शरीर में, यानी कुछ लिक्विड लेकर ही चलें बाहर जब भी निकलें, तो लिक्विड में आप साल्ट जो आपका, यदि कुछ भी नहीं है तो ORS सॉल्यूशंस इसके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो मिल जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, या फिर आपकी छाछ है, नींबू शिकंजी है, तो इस तरह के लिक्विड आप जो कि कंटामिनेटेड नहीं हो। बाज़ार में मिलते हैं कई सारे जूस, पर उनमें इन्फेक्शन होने का यदि डर है तो उससे बचें, और यदि साफ़ सुथरे हैं तो आप ले सकते हैं। और डाइट भी आपकी सही रहे इस मौसम में, जैसे कि न्यूट्रिशन वाली डाइट हो, विटामिन ए वाली हो, और जो कलर्ड फ्रूट आते हैं इनमें विटामिन ए होता है, जैसे पपीता है, आम है, तो इस तरह की बढ़िया आपकी विटामिन युक्त डाइट हो, तो ये सब प्रोटेक्शंस हमें लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सामान्य जानकारी के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे दिन भर व्यक्ति धूप में घूमता है, हीट वेव में, तो घर जाने के बाद उसको आँखों की सुरक्षा के लिए उसे क्या इंतजाम करना चाहिए? जैसे मान लो ठंडे पानी से मुँह धोना हो या? बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि आँखों को बस पानी से छिड़क छिड़क के धो, ये सबसे गलत टेक्निक है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा आँखों को छिड़केंगे तो हमारी टीयर फिल्म उतनी ही ज़्यादा डैमेज होगी। जो मैंने आपको पहले बताया था कि टीयर फिल्म कैसे बनती है, 3 पार्ट्स उसके होते हैं, तो वो हटेगी तो वो ड्राइनेस बढ़ेगी आँखों में, तो वो नुकसानदायक है। हमें यदि ठंडे कूल वाटर से आँखें धोनी चाहिए, इसलिए धोनी चाहिए कि उसकी सफाई हो, क्लीनिंग हो, आँखों में धूल मिट्टी जो एलर्जेंस आँखों में गए हैं दिन भर में वह हटें, और थोड़ा सा कूलिंग सूदिंग एक्शन हो। लेकिन हमें आँख बंद करके धोना चाहिए, आँख खुली आँख में धोना, यानी हम थोड़ा डैमेज कर रहे हैं आँख को, जैसे कि कॉर्निया पे भी प्रेशर जा रहा है और टीयर फिल्म भी डैमेज हो रही। लेकिन हम धो सकते हैं, लेकिन आँख बंद करके धोएं, और ज़्यादा बार धोना तो ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, लेकिन 1-2 बार हम धोएं तो अच्छा है, ठंडा रहता है, उससे सूदिंग एक्शन रहता है और सफाई होती है आँखों की, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह के लक्षण इस हीट वेव में मतलब आँखों में देखने को मिलते हैं, तो सामान्यतया उस मतलब व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए, यानी चिकित्सक के पास जाना चाहिए या मतलब ऐसा महसूस हो? अच्छा सवाल है सर आपका। इसमें क्या है कि जो रेडिएशन है, जो हीट वेव है, और जो थर्मल जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो नुकसान आँख को पहुँच रहा है, उसमें कई सारे लक्षण हमारे पास अलग अलग पार्ट की प्रॉब्लम्स के अनुसार आ सकते हैं। जैसे हमारी आँख में, जैसे मैंने बताया ड्राई आई, तो ये तो बाहर का पार्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया में क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका वहाँ पर आपको रेडनेस आ रही है, या जिसको कहते हैं हम कंजक्टिवाइटिस, कॉर्निया से आगे जो आपके कंजक्टिवा है कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, कॉर्निया में भी यदि इन्फेक्शन हो जाए तो किरेटाइटिस बोलते हैं उसको, तो या दोनों हो जाए तो किरेटो कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो चीज़ यदि इन्फेक्शन हो रहा है, अब इन्फेक्शन किस तरह का है, बाय द वे आपको खुजली ज़्यादा हो रही है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि वो एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो एलर्जन कोई से भी हो सकते हैं, धूल मिट्टी धुआं है ना, तो ये एलर्जन, या फिर जैसे कोई पेट वो पालतू जानवर का डेंडर, उससे भी होता है इन्फेक्शन, किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो इन्फेक्शन जो है जैसे कि बैक्टीरिया वायरस से हो सकता है और फंगस हो सकता है, तो इन चीज़ों से जो साइन सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसे कंजक्टाइवा में है तो आपके रेडनेस होगी, फ्लू जैसे उसमें लक्षण होंगे फ्लू जैसा,
और आपकी रेडनेस, उसके अलावा आपकी वाटरिंग, किसी फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आँख में चुभना है ना, तो और उसके अलावा आपके आँख में सूजन भी आ सकती है, और आपकी जो लीड्स हैं उनके ऊपर भी कई बार क्रस्ट जम जाते हैं, ब्लेफेराइटिस हो जाता है। तो उसके बाद भी यदि रेडनेस ज़्यादा है तो वो पोस्टर चैम्बर जो है वहाँ पर भी आपको, इसके अलावा आप इसका जो हीट वेव का है इसका इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा यदि लॉन्ग टाइम रहते हैं तो रेडिएशन हमारे कैटरेक्ट को भी प्रभावित करती है, मतलब जिससे मोतियाबिंद आने का भी संभावना बढ़ जाता है। और ज़्यादा हीट में रहने से आपके जो रेटाइना है, पर्दा है, आँख का पर्दा है, उस पर भी नुकसान पहुँच सकता है, यानी मैकुलर डीजनरेशन। मैकुला जो होता है एक्चुअल में पर्दे में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दृष्टि है होती है, वो मैकुला कहलाता है, वो ऑप्टिक डिस्क के पास में मैकुला होता है। तो वो आपके स्फंडोस्कोपी से आप मैकुला देखते हैं तो पता चलता है कि ये जल्दी इसमें डीजनरेशन हो रहा है, मैकुलर डीजनरेशन। ये एक पोस्टियर चैम्बर की बात, लास्ट में जो आपका आँख का लेंस है उसके पीछे की बात है। तो इस तरह से वो डैमेज कहीं भी हो सकता है, डिजीज़ कहीं भी हो सकती है, तो हमें नेत्र चिकित्सक के पास तुरंत जाना चाहिए और कोई सी भी आँख की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आँख हमारा महत्वपूर्ण अंग है। डॉक्टर शिव कुमार जी, आजकल जो गर्मी में ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, वह ड्राई आई सिंड्रोम का ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो यानी आजकल ये प्रणाली तो आम है, तो इसके बचाव के लिए जैसे छात्र हो, युवा हो, या मतलब बुजुर्ग हो, तो मतलब उसके आँखों के बचाव के लिए उसको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? यह आपका वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि हम स्क्रीन टाइम को घटा सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते, क्योंकि हमारे इनके बिना, गैजेट्स के बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी हमें उपयोग में तो लानी ही पड़ेगी। तो इसके लिए हम स्क्रीन टाइम को शॉर्टेज करें और इंटरवल दें, जैसे कि इनसे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर बिताने से, जैसे कि आपके ड्राइनेस जो आपने भी कहा है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है, और आपके उसकी वजह से कई बार हेडेक भी होने लग जाता है, आई एक भी होने लग जाता है, रेडनेस भी आ जाती है आँख में, और इस तरह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनको हम, इनसे बचने के लिए हमें 20-20-20 एक फॉर्मूला है जी, जिसमें कि हमें क्या करना है कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटना है, या स्क्रीन से नज़रों को हटाना है जी, और आई को रिलैक्स करना है। तो ये तो हो गया 20-20। फिर अगला जो 20 है उसमें हमें कहाँ देखना है, 20 फीट दूर देखना है, यानी डिस्टेंस विजन में देखना है। नियर विजन ज़्यादा देखने से कई सारे प्रेशर डेवलप होते हैं आँख में, स्ट्रेन डेवलप होता है, एकोमोडेशन पे ज़्यादा लोड जाता है। तो ये हमें अपनाना है कि हम रिलैक्स करें अपने आईज़ को, अपने आँखों को, और स्क्रीन टाइम को कम करें, और हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन तो लें ही सही, और उसके अलावा जो थर्मल इंजरी है, कई बार ज़्यादा पास में ऐसी गर्म चीज़ों से हमारी आँखों को थर्मल इंजरी भी होती है, तो इरोजन्स हो जाते हैं कॉर्निया में, और उसकी जो एपिथीलियम है, जो उसके आगे की एपिथीलियम है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इन सब से हम बच सकते हैं। डॉक्टर शिव कुमार जी, आँखों पे असर, यानी जिसको अपन दृष्टिहीनता बोल सकते हैं, डायबिटीज के पेशेंट ज़्यादा इससे ग्रसित रहते हैं, तो एक डायबिटीज के पेशेंट को अपने आँखों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक आज एक सामान्य बीमारी होती जा रही है, तो इसके उपाय के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, तो देखो, आपने डायबिटीज़ का नाम लिया, तो आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं जिस गति से, तो हमें थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ क्या है, मल्टी ऑर्गन्स पे अफेक्ट डालती है, और इसमें एक आई भी है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक कॉमन डिजीज़ है जी। तो इसके लिए हमें एक तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, और टाइम टाइम पर हमें
आँखों का चेकअप कराते रहना है। तो नेत्र विशेषज्ञ के पास सलाह लेना ज़रूरी है इसके लिए, और फंडस एग्जामिनेशन और जो भी इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन है वो कराना ज़रूरी है। इससे हम आगे उससे डैमेज को, रेटिना के डैमेज से बच सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ तो एक है ही सही, और एक हाइपरटेंशन भी, जो ब्लड प्रेशर भी आजकल बहुत बढ़ कॉमन होता जा रहा है, तो इससे भी बचने के लिए हमें यही सब चीज़ें करनी है। बीपी कंट्रोल में रहे और कंटिन्यूस आपके इंटरवल में चेकअप रहे, तो इससे भी बचा सकते हैं। और एक और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एडिक्शंस हैं ये भी हमारे रेटिना में प्रभाव डालते हैं, जैसे टोबेको च्यूइंग वगैरह, टॉक्सिक्स रेटिनोपैथी बोलते हैं उनको, तो टॉक्सिक जो हैं ये भी रेटिना को डैमेज करते हैं। तो जैसे इसमें टोबेको है, कुछ और भी ड्रग्स हैं और अल्कोहल भी है, तो इन सब को भी एक कंट्रोल में रखना ज़रूरी है और इनसे बचना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक मतलब इसमें खाने के लिए जैसे हरी पत्ती या की सब्जियां या क्या, किस तरह का फल या सब्जी खानी चाहिए ताकि आंखों को एक निरोगी रहे? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो बहुत ज़रूरी है। जब ईश्वर ने जन्म दिया था तो तभी दूध बना दिया था, तो हमारा न्यूट्रिशन इस तरह का हो कि हमारी आंखें हेल्दी रह सकें। तो उसमें हमें आँखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि एक तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, किरीटोमलेशिया हो जाता है और आँखों में बहुत नुकसान पहुँचता है। तो विटामिन ए रिच फ्रूट्स जो हैं वो, और वेजिटेबल्स, तो हरी सब्जियाँ जो मौसम के अनुकूल जो भी हैं उसके हिसाब से हम हरी सब्जियाँ, ब्रोकली और जैसे आपका कलर्ड जो फ्रूट्स हैं जैसे पपीता है, आम है, तो इस तरह की जो कलर्ड फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन ए रहता है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और समय समय पर अभियान चला के विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है बच्चों को, तो वो भी उसका भी उपयोग करना चाहिए, नेशनल प्रोग्राम में शामिल है। और उसके अलावा बाकी डाइट्स भी हमें ज़रूरी है, जैसे प्रोटीन अच्छा मिले और सारी बैलेंस फूड होना चाहिए, कुल मिला के बैलेंस फूड हमें मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ कोटा मेडिकल कॉलेज के उपनिदेशक और नेत्र चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा शिवलहरी जी। डॉक्टर साहब का कहना है कि इस हीट वेव से बचने के लिए आंखों को किस तरह अपनी देखभाल करनी चाहिए और साथ ही किस तरह का खान पान इस मौसम में लेना चाहिए ताकि आदमी की आंखें स्वस्थ रहे, क्योंकि आंखें ही इंसान का एक मतलब दिखने का एक स्वरूप है। और इन्होंने बहुत विस्तार से त्वचा के बारे में भी बताया किस तरह मतलब हीट वेव से बचना चाहिए। आज ही हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।